हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एक ट्रेंडिंग मेसी हेयर स्टाइल, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मैंने ईयर टू ईयर पार्टिंग की है और निकाला है सी सेक्शन और नीचे बनाई है एक पोनीटेल। आप पोनीटेल थोड़ी ऊपर या थोड़ी नीचे भी बना सकते हो। अब हम क्रिएट करेंगे एक पफ। तो पफ के लिए हम सेक्शन बाय सेक्शन लेंगे और उसमें करेंगे बैक कॉम्बिंग। बैक कॉम्बिंग हमें एग्जैक्टली रूट्स तक करनी है और उसको होल्ड करने के लिए स्प्रे करना है। मैंने यहाँ पे टाफ नंबर 5 स्प्रे यूज़ किया है, आप कोई भी स्प्रे यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले मैंने मिडल का सेक्शन लिया, देन लेफ्ट सेक्शन, देन राइट सेक्शन, और इसी पैटर्न में हम बैक कॉम्बिंग करते हैं। अगर आपको ज़्यादा बड़ा पफ बनाना है तो आप ज़्यादा बैक कॉम्बिंग करेंगे, और अगर छोटा पफ बनाना है तो कम बैक कॉम्बिंग करेंगे। सो ऐसे ही एक एक करके हम सेक्शन को पीछे लेके आएंगे और अब ओवरऑल हेयर हम करेंगे नीट। ध्यान रखेंगे कि अंदर की बैक कॉम्बिंग ना खुले और सिर्फ बाहर बाहर से हमें नीट करना है, और नीट करने के बाद हम इसको पिन अप करेंगे। यहाँ हमें ज़्यादा फिनिशिंग से काम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके ऊपर हम मैसी लुक ही क्रिएट करने वाले हैं। तो अब मैं यहाँ पे इसको पिन अप कर दूँगी। मैंने यहाँ पे पहले यू पिन और बाद में बॉब पिन से लॉक किया। आप डायरेक्टली बॉब पिन से भी लॉक कर सकते हो। अब हम आते हैं फ्रंट पे। तो फ्रंट स्टाइलिंग करने के लिए हमें करने हैं कर्ल्स। तो हम सेक्शन बाय सेक्शन लेंगे और उसमें करेंगे कर्ल्स। यहाँ पे मैंने कर्ल करने के लिए यूज़ करी है 16mm टोंग। आप 22mm टोंग भी यूज़ कर सकते हैं या कोई भी पतली टोंग जो आपके पास हो आपको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और जो पीछे के हेयर हैं हमें उनको कर्ल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब हम बैक बन बनाएंगे तो हमें दोबारा कर्ल्स करने हैं। सो इसीलिए अभी मैं हाफ हाफ ही कर्ल्स कर रही हूँ, जो पूरा हमारा पफ है वो कवर कर देंगे। तो ऐसे थिन सेक्शंस हमें लेते रहने हैं और अच्छे से उसको कर्ल करना है। रूट्स तक हमें कर्ल करना है क्योंकि मेन जो वेव्स आनी चाहिए वो फ्रंट से ही आनी चाहिए, तभी आपका जो लुक है वो अच्छे से मैसी लगता है। और ये हेयर स्टाइल सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है आजकल। इस फ्रंट वेरिएशन को आप पोनीटेल के साथ बना सकते हो, बन के साथ बना सकते हो, ओपन हेयर स्टाइल के साथ बना सकते हो, इंडियन वेस्टर्न एंगेजमेंट और ब्राइडल किसी भी लुक के साथ आप ये फ्रंट वेरिएशन कर सकते हो। अगर आपको इंडियन में करना है तो आप मांग टीका ऐड कर दोगे, और अगर आपको वेस्टर्न में ही रखना है तो अभी मैं जैसे बता रही हूँ आप एज इट इज़ वही करोगे। तो ये हमारा लास्ट सेक्शन है लेफ्ट साइड से, इसमें भी हम कर्ल कर लेंगे। और अब हम जब आएंगे दूसरी तरफ यानी कि मिड पार्टिंग के राइट हैंड साइड पे कर्ल करेंगे जब हम, तो हमें लेफ्टवर्ड यानी कि इनवर्ड कर्ल करना स्टार्ट करने हैं। अभी तक जो हमने आग करे थे वो आउटवर्ड कर्ल्स थे, अब हम इनवर्ड कर्ल्स करेंगे। सो जब पूरा हेयर डू हो जाएगा वो इक्वल कर्ल्स लगेंगे हमारे। आई होप आपको डिफरेंस नज़र आ गया होगा कि कौन से इनवर्ड कर्ल्स हैं और कौन से आउटवर्ड कर्ल्स हैं। तो सेम जैसे हमने लेफ्ट साइड के कर्ल्स किए हैं, अब हम राइट साइड के कर्ल्स एज इट इज़ करेंगे। जस्ट मेक श्योर कोई भी सेक्शन कर्ल करने से पहले आप उस सेक्शन को अच्छे से कॉम करके नीट करो और उसके बाद कर्ल करो, उससे आपके कर्ल्स जो हैं वो एकदम नीट एंड क्लीन बनते हैं।
हमारे फुल फ्रंट हेयर जो है वो कर्ल हो चुके हैं। अब आप जो है ये मैंने एक आइडिया दिया है कि आप किस तरह से भी, अगर आपके क्लाइंट कोई आपको ऐसा स्टाइल पसंद आ रहा है तो आप डायरेक्टली इसको भी पिनअप कर सकते हो, अदरवाइज़ जो हमें मैसी अपडो क्रिएट करना है वो करेंगे हम। सो यहाँ पे मैंने जी कोम्ब ली है और इससे हम कोम करेंगे। आप चाहो तो फिंगर्स का यूज़ करके भी आप कोम कर सकते हो। तो उससे पहले हम यूज़ करेंगे शाइन स्प्रे। पोसेस प्लस का मैंने शाइन स्प्रे यूज़ किया है अच्छी फिनिशिंग के लिए। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ प्रो टूथ कोम का यूज़। ये आपको ईजिली फ्लिपकार्ट अमेजोन से मिल जाएगी। और अब इसको कोम करेंगे हम। ध्यान रखना है कि हमें बार बार कोम नहीं करना है, हमें लिमिटेड टाइम ही कोम करना है। जब आपको लगे कि कोम से आपके हेयर थोड़े बहुत ओपन हो गए हैं उसके बाद आप फिंगर्स का ही यूज़ करोगे, कि हमें अपने कर्ल्स पूरे नहीं खोलने हैं इसीलिए हम फिंगर्स का यूज़ करेंगे। और अब हम इन्हें पिन अप करेंगे बैक पे। अच्छे से बॉब पिन से लॉक करेंगे और देखेंगे कि कहीं से ज़्यादा गैप या फिर कहीं से बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना लगे। और उसके बाद हम आएंगे फ्रंट पे। अगर आपके हेयर स्टाइलिंग में भी ऐसे फ्रंट में गैप आ रहा हो और आपको वो नहीं अच्छा लग रहा हो तो हम उसको कवर भी कर सकते हैं एक सेक्शन क्लिप लगा के। और सेक्शन क्लिप लगाने के बाद हम उस पर थोड़ा सा स्प्रे कर देंगे, उससे कि उसका जो गैप है वो बिल्कुल फिल हो जाएगा। सो आवर फ्रंट हेयर स्टाइलिंग इज़ डन। और अब हम आते हैं बैक पे। बैक पे आप पोनी टेल भी क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बहुत ट्रेंडिंग है आजकल। या फिर हम जो करने वाले हैं दैट इज़ बन, तो आप बन भी क्रिएट कर सकते हैं। सो बन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लगाया है लूप। और अब हम ऐड करेंगे स्टफिंग। लूप का ट्यूटोरियल ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर है, वो आप देख सकते हैं। और स्टफिंग मेकिंग का भी ट्यूटोरियल मेरे यूट्यूब चैनल पर ही है। इसे हम यूपिन्स की हेल्प से अच्छे से फिक्स कर देंगे। आपको अगर छोटा बन बनाना हो तो आप छोटी स्टफिंग यूज़ कर सकते हो, और अगर इससे बड़ा बन बनाना हो तो आप बड़ी स्टफिंग भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हमने एक सेक्शन लिया है जिसे बैक कोम करके अच्छे से फैला के स्टफिंग पे उसको रख दिया है। और इसको हम कवर करेंगे और लॉक कर देंगे यू पिन से। अब हम बचे हुए हेयर में करेंगे कर्ल्स। तो अगर हम पहले ही कर्ल्स कर लेते तो ये बहुत ही ज़्यादा मैसी हो जाता, जो कि थोड़ा अनटाइडी लगता। इसीलिए आई सजेस्ट यू कि आप बाद में इनको दोबारा कर्ल करें, सो उससे ज़्यादा अच्छी लुक आएगी। तो ऐसे ही एक एक सेक्शन लेंगे और उसको हम कर्ल करेंगे विद द सेम टोंग। तो बैक में भी अब हम कर्ल कर चुके हैं, और जिस तरह हमने ऊपर के बाल सेट किए थे उसी तरह हम इनको भी सेट करेंगे। सबसे पहले ओसेस का शाइन स्प्रे मैंने यूज़ किया है, उसके बाद मैं इसको हल्का हल्का
होम से ओपन करूँगी और फिर फिंगर से ओपन करूँगी एंड देन इसे भी हम सेट कर देंगे। इक्वल करने के बाद जितने भी एक्स्ट्रा हेयर हैं नीचे उन्हें हम स्टफिंग के अंदर डाल देंगे और फिर यूपिन से होल्ड कर लेंगे। 2 से 3 यूपिन हम यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हम फाइनल लॉक कर रहे हैं बालों को, सो अच्छे से हम लॉक करेंगे। और अब आप ओवरऑल फाइनल हेयर स्प्रे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आते हैं वापस बैक पर और यहाँ हम लगाने वाले हैं रोजेस। और जैसे कि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज थी कि रोज़ेस को कैसे लगाना है, तो वो भी मैं आज बताती हूँ आपको। हमें यूपिन को डालना है रोज़ के अंदर और नीचे की जो स्टिक है उसको हम कट कर देंगे एंड दैट्स इट। इसी तरह हम बाकी के रोज़ेस भी लगाएंगे। सो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, हमें उसकी स्टिक को कट करना है, पूरा कट नहीं करना है, थोड़ा सा छोड़ना है, और अंदर से हमें यूपिन लगानी है और बन में लगा देना है। एंड यस, यहाँ पे मैंने अपने रोज़ेस को डेकोरेट किया हुआ है विद गोल्डन ग्लिटर्स, जिसकी वीडियो भी मैं बहुत जल्दी यूट्यूब पर अपलोड कर दूँगी। आप इसको ब्राइडल लुक में भी दे सकते हो, बस आपको इसमें टीका या माथा पट्टी ऐड करना है फ्रंट में एंड इट विल लुक वेरी नाइस। एंड आर हेयर स्टाइल इज डन। आई होप आप सबको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। बाय।